राखी जो है खान सर का कम से कम 2.5-3 किलो तो ये हो चुका है, बहुत भारी हो गया इसमें, बहुत ज्यादा। अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरे बहन के लिए कुत्ता मत बनो। अब भाई का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, कहीं भी वो पढ़ रही है, जैसे घर छोड़ के पटना आई है तो यहाँ उनका कौन है, यहाँ हम ही लोग उनके लिए माँ बाप गार्जियन सब कुछ हम ही है, भाई सब उनके। आप लोग ही मनाती है? अभी बांधना बाकी है? नहीं, बांध चुका। अरे मेरा ये वाला हाथ काम नहीं कर रहा है। इतना वाले खान सर के पास आए और आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन में खान सर किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं उसका नजारा आप देखिए। सर के हाथों में बहुत सारा राखी दिखाई दे रहा होगा और पीछे आपको ढेर सारी लड़कियां दिखाई देंगी, सब लोग एक एक करके खान सर को राखी बांधते हैं। और खास बात यह है कि आज जो है खान सर का यह सेलिब्रेशन बहुत खास होता है, 130 तरह के पकवान तैयार होते हैं। और देखिए खान सर अभी जो है मंच पे आए हैं, राखी बंधवा चुके हैं, कुछ लड़कियां पीछे बाकी है उनसे भी राखी बंधवाएंगे। आप इधर आ जाइए और इधर दिखाते हैं आपको कैसे लड़की जो है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है और हजारों की संख्या में लड़कियां जाती हैं। आप भी राखी बांध रही हैं? जी। तो कब से, पहली बार है या पहले भी कभी आई है? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? हाँ। तो रक्षाबंधन आप लोग भी मनाती हैं? हाँ। तो खान सर के यहाँ ही स्टडी करती हैं या कहीं और? नहीं, खान सर के यहाँ। नीट के स्टूडेंट है जी? नीट के स्टूडेंट है। नीट के। तो राखी बांध दिया आपने या अभी बांधना बाकी है? नहीं, बांध चुके हैं। 130 तरह का खाना यहाँ पे तैयारी किया गया है। और इधर खान सर आप देखिए, खान सर जो है वेट कर रहे हैं और लगातार खान सर लड़कियों के पास जा रहे हैं, एक एक करके राखी बनवा रहे हैं और पास जाएंगे। और इधर से जो है एक बार देखिए ये जो भीड़ आपको दिख रहा है, इधर से लड़कियां एक एक करके जो है खाना खाने के लिए निकलेंगी जो लोग राखी बांध लिए हैं। और उधर खान सर जो है अब आराम कर रहे हैं, एक बार जो है खान सर से थोड़ा बहुत बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एकदम थक गए हैं सर, बहुत ज़्यादा थक गए, अभी आधा भी राखी नहीं हुआ है, अभी आधा राखी और बाकी है। तब तो हाँ। उस हाथ की तैयारी आपको करना पड़ेगा। अरे यही नहीं, हाथ उठ रहा है, लेकिन उठा के देखिए तो आपको। ये देखिए राखी जो है खान सर का कम से कम 2.5-3 किलो तो ये हो चुका है, बहुत भारी हो गया इसमें, बहुत ज़्यादा। अरे हाथ का अलग से इसको बहुत क्या करेंगे, ये बहनों का प्रेम है, वरना आज के समय में देख रहे हैं जिस तरह से बहनों पे अत्याचार हो रहा है, ज़रूरी है उनको अपना एक, जहाँ कहीं भी वो पढ़ रही है, जैसे घर छोड़ के पटना आई है तो यहाँ उनका कौन है, यहाँ हम ही लोग उनके लिए माँ बाप गार्जियन सब कुछ हम ही हैं, भाई सब उनके लिए यहीं पर। तो ये उनका विश्वास है, ये राखी नहीं, उनका विश्वास है कि हम जब पटना में हैं तो हमारे सर हैं, हमारे भाई हैं, उनको होने नहीं देंगे। अच्छा सर, इस बार जब रक्षाबंधन है तो देश भर में लड़कियों की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है, कलकत्ता वाला घटना आपने देखा, ऐसे में क्या कहना चाहिएगा, भाइयों के लिए भी संदेश और बहनों के लिए भी संदेश? भाइयों के लिए भी कहना चाहेंगे कि अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरे बहन के लिए कुत्ता मत बनो। भाई का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। अब दूसरा कहते हैं कि हर लड़का को ऐसा रहना चाहिए कि उसके बगल में बैठ के किसी दूसरी बहन को भी सुरक्षा महसूस हो। तो देखिए फोन को ध्यान से रखना चाहिए ना, अभी इधर मिलेगा तो देगी कोई, अभी बैठी आप आराम से। फिर से जो है अब खान सर एक नए हॉल में जाएंगे और वहां भी जो है राखी बनवाना है सर को। और फिर से जो है एक बार फिर से ये हाथ देख लीजिए, इसको कैसे करना है जी? हम मदद करें क्या सर? और अब खान सर का बिहारी स्टाइल दिखेगा। अरे मेरा ये वाला हाथ ही काम नहीं कर रहा है। हाँ, अब क्या कहिएगा? अरे बाबू नीले बैठिए, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है। तो ये खान सर का खास रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन है और बहुत खास होता है। एक एक करके खान सर जो है सबके पास जा रहे हैं और अब बंधु एक बार फिर से देख लीजिए, हजारों की संख्या में पटना वाले खान सर के कोचिंग में लड़की आई हुई है और इन लोगों के लिए खास व्यवस्था है। रक्षाबंधन का खास ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, सेल्फी भी लिया जा रहा है, रक्षाबंधन के लिए राखी भी इनको बांधा जा रहा है, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर
खास संदेश देते हुए नजर आए। और आपने देखा कि किसी भी खास धर्म को नहीं, बाकी आपने देखा कि सिर्फ सनातन नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि इस्लाम से भी बच्चे आई हुई हैं, अलग अलग धर्म की लड़की आई हुई है, और सब लोग खान सर को जो है राखी बांध रहे हैं। फिर से खान सर जो है एक बार जा रहे हैं एक दूसरे हॉल में, जहाँ पे हजारों की संख्या में लड़कियाँ वेट कर रही हैं। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।